स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ डेनवाल। सो इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ट्राइंगुलर सीरीज विच इज टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री। बिफोर दैट वी डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ कॉन्जुकेटिव ओड नंबर। जितने ओड नंबर को आप ऐड करेंगे उतने ही नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप ओड कॉन्जुकेटिव एट नंबर लेते हैं तो उनका सम आएगा वो 64 ही आएगा जो एट का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स। वी आर सॉल्विंग और एक्सरसाइज 3.2 विच इज बेस्ड ऑन द ऑल द इंट्रोडक्शन टॉपिक्स। क्या कह रहे हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो सर आपने पॉसिबल डिजिट निकालने का फॉर्मूला बताया, तो या तो यह आएगा या 2 टाइम्स एक्स आएगा। जैसे इसी में 5 पार्ट दे रखे हैं, हम 3 सोल्व कर लेते हैं। तो ए वाला मान लो 5 सोल्व कर लेते हैं, बी वाला गिवन है इसमें 98 और सी वाला हम सोल्व कर लेते हैं 117। चलो डी वाला भी सोल्व कर लेंगे इसमें 287। ठीक है सर, x की वैल्यू मैं 1 रखूँगा यहाँ पे क्योंकि अकेला डिजिट है, तो इसलिए 1 रखूँगा 2 × 1 − 1 × 2 × 1। तो सर या तो इसमें 1 डिजिट आएगा या 2 डिजिट आएगा। अब आप सबको बताएं सर, 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो इसमें कितने डिजिट्स आएगी, 2 डिजिट्स आएगी। ठीक है, अब सर किसी नंबर में 2 डिजिट अगर आ रही है तो 2 × 2 = 4 − 1 = 3, या तो सर 3 डिजिट आएगी या 4 डिजिट आएगी। ठीक है, अब ध्यान दो, नंबर 100 से कम है और अगर आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आपका 3 डिजिट में चला जाता। तो अब ध्यान दीजिए सर, 3 डिजिट तो हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है, 40 को अगर 40 से करें तो भी सर 1600 आता है। तो ये नंबर तो सर हमारा किससे बड़ा है, 40 से बड़ा है, 98 आ रहा है, बट 100 से कम है। अगर आप 100 को 100 से करते हैं तो कितना डिजिट आता आपका, 10,000। इट मीन्स इसमें कितना डिजिट आ रहा है, 5 डिजिट, बट यहाँ पे कितना डिजिट आएगा आपका, 4 ही आएगा। कितना डिजिट आएगा पहले बच्चों, 4। अब सर यहाँ पे 3 डिजिट है, x की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 × 2 = 6 − 1, इट विल कंटेन 5 or 6 डिजिट। अब ध्यान दो, 5 डिजिट आएगा या 6 डिजिट आएगा, सर 6 डिजिट होने के लिए उसे कितना होना पड़ेगा, 1 लाख। ठीक है, और 1 लाख सर 300 × 300 के मल्टीप्लाई से भी बड़ा है। इज इट क्लियर बच्चों, यस और नो? इसमें हमारी कितने डिजिट आ जाएगी सर, 5 डिजिट, क्योंकि ये हमारे से 10,000 के पास वाला ही नंबर है। सर 287, सर सपोज करो 287 की जगह मैं 300 ले लेता, तो सर इसमें भी या तो 5 डिजिट आएगी या 6 डिजिट आएगी। तो अगर मैं 300 को 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे 90,000 ही मिलता है। ये एक 5 डिजिट वाला नंबर है, तो ये नंबर तो सर उससे भी छोटा है, तो 5 डिजिट का है वो आएगा, तो इसमें 5 डिजिट आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जस्ट आप वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू समथिंग नोट डाउन फ्रॉम द बोर्ड। अब देखिए इसी में हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है फाइंड द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आपका 12 है, फिर है 52, फिर क्या कह रहा है 23, फिर क्या कह रहा है 566, फिर क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, फाइंड द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वो क्या कह रहा है, इन नंबर्स का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सर ये तो मुझे याद है बट कोई बात नहीं, वो क्या कह रहा है, वंस प्लेस डिजिट कौन सी आई, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 144 आएगा, उसका मतलब वंस डिजिट वहाँ पर क्या आ जाएगी, 4। यहाँ पर 52 को 52 से करोगे, वंस डिजिट क्या आएगी आपकी, 4। ठीक है, 23 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता 9 आएगा, वंस डिजिट 9 आएगी। सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा लास्ट में, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, वंस डिजिट विल बी 1। इज इट क्लियर बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैंने क्या बताया था सर, जैसे एक नंबर x ले लो, उसका स्क्वायर ले लो, नेक्स्ट नंबर ले लिया x प्लस वन स्क्वायर, अगर इनके बीच नंबर ऑफ इंटीजर्स या कितने नंबर आ रहे हैं वो बताने, तो फर्स्ट वाले को सर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ईजी है। जैसे फर्स्ट वाला कह रहे हैं 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 2 इंटू एक्स, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएंगे। आप प्रैक्टिकली भी चेक कर लीजिए, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 100 में से 81 गया तो 19 आ गया, पर आपने 100 को भी तो ले लिया, क्वेश्चन तो इनके बिटवीन पूछा था, तो आपका 18 ही आएगा, ठीक है। जैसे इसी में पूछ लिया 24 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने आएंगे सर, 2 इंटू 24 कर देंगे हम, कितना हो गया ये 48 हो गया, ठीक है। ये 48 नंबर्स आएंगे इन दोनों के बीच में, ये 48 इंटीजर्स आएंगे। जैसे इसी में नेक्स्ट पार्ट है 39 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर, इट मीन्स दोनों के बीच में फर्स्ट वाले को सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने आ जाएंगे 78 इंटीजर्स आ जाएंगे इन दोनों के बीच। इज इट क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। जैसे आपको इसी में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द स्क्वायर नंबर्स दैट वी विल गेट, फाइंड द स्क्वायर नंबर्स दैट वी विल गेट इफ एड द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ट्राइंगुलर नंबर सीरीज, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3.2 एंड वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर नंबर्स दैट वी विल गेट इफ वी एड द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ट्राइंगुलर नंबर सीरीज। अब बच्चों ध्यान, तुम्हें पता है ट्राइंगुलर नंबर सीरीज कैसी हुई थी, फर्स्ट वाले में 1 आया था, सेकंड वाले में 1 प्लस 2 किया था 3 आया था, फिर हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया था 6 आया था, फिर हमने उसमें 4 और ले लिया था, ऐसे आया था 10 आया था। तो हमें सबको पता है सर, अब इसमें कौन सी टर्म के लिए पूछ रहा है, वो टर्म 4 एंड 5, इन दोनों का सम करने पे हमें क्या मिलेगा, कौन कौन सी टर्म कर रहे हैं बच्चों, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म को ऐड करना है। तो सर फोर टर्म का मतलब है कंटिन्यूसली फोर नंबर को ऐड करना, कितना आ रहा है 4, 3, 7 और 3, 10, और फिफ्थ टर्म का मतलब है कंटिन्यूसली हमें किसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है सर, 5 नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, बट मैं तुम्हें इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था सर, मैं n+1/2 यूज में ले सकता हूँ। अगर फोर्थ टर्म की बात कर रहा है तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे 4, तो 4 4+1/2, 2 टाइम गया 2 5 या 10 ही आ रहा है, और अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ 5 तो बाहर आ जाएगा 5, ब्रैकेट में आ जाएगा 5+1/2, ये हो गया बच्चों 5 × 6/2, ये आ गया 15। तो वैसे भी आया तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके करेंगे, बड़ा नंबर आ गया तो क्या लिखते रहेंगे क्या, यस और नो, अगर 100 टर्म आ गई तो हम क्या 100 टाइम लिखेंगे इसे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपके इन दोनों का सम सर ये तो 10 हो गया, और फिफ्थ टर्म कितना हो गया आपका 15, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 25। अब इसी में पूछा है जैसे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का क्या करेंगे बच्चों, सम करेंगे। सेकेंड टर्म बच्चों क्या होती है आपकी, 1+2 होती है, थर्ड टर्म होती है सर 1+2+3 होती है। अरे हाँ, या ना फॉर्मूले से भी पुट कर सकते हो, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे बच्चे तो कितना आएगा 2 2+1/2, कितना आ जाएगा 3। थर्ड टर्म कितनी आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3+1/2, तो 3 × 4 12/2 6 आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया 9th प्लस 10th टर्म, तो n की वैल्यू बच्चों में कितनी रखूंगा 9,
तो कितना आ जाएगा n, n प्लस वन अपॉन टू, एन की जगह मैं 9 पुट कर रहा हूँ, 9, 9 प्लस वन टेन अपॉन टू, टू से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया, तो ये आ गया 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 प्लस n की वैल्यू इस बार 10 रखेंगे हम, तो 10, 10 प्लस वन अपॉन टू, यह आ गया 5, 11 इंटू 5 55, तो इन दोनों का सम कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया। इज इट क्लियर? जैसे इसी में दे रखा फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए पूछ रहा है प्लस सेकेंड टर्म। बच्चों फर्स्ट टर्म तो 1 ही होती है और सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 होता है 3 आता है, तो दोनों का सम कितना आ गया 4। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, इज इट क्लियर? जस्ट अगेन लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन, मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इन टर्म्स को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है हमें, एन एन प्लस वन अपॉन टू, क्या याद रखना है बच्चों, एन एन प्लस वन अपॉन टू। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यह फॉर्मूला आपके आगे भी आएगा काम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, वो क्या कह रहे हैं, इनमें कौन से सेट हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। जैसे सपोज अगर आपको सी गिवन है 2, 4, 8, सर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फाइंड करने होते हैं तो मैं कर लेता 2n, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1 से, बट ऑलरेडी गिवन है, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या ये है क्या, चेक कीजिए आप। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे बड़े वाले नंबर हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, उसका स्क्वायर निकालेंगे और वो उन दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल अगर हो जाए तो हमारा हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा 8, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आगे दो नंबर रह गए 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अगर ये दोनों साइड इक्वल आए इट मीन्स हमारे ट्रिपलेट्स होंगे, एल्स नो, 8 स्क्वायर 64, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 64 = 20, क्या ये पॉसिबल हो सकता है दोनों इक्वल है, सर कभी नहीं हो सकता, तो ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है। जैसे इसी में एक नंबर है 7, 24, 25, इट मीन्स सबसे ग्रेटर नंबर है सर 25, उसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे जो दोनों छोटे वाले नंबर रह गए, क्योंकि सबसे बड़े वाला हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। ये हो गया हमारा 625, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 49 प्लस ये कितना हो गया 576, देख लीजिए दिस इज 675, और अगर आप उन दोनों का भी सम करेंगे तो ये कितना आएगा 625, ये हमारे दोनों आगे इसके मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हमारे होंगे। जैसे इसी में एक क्वेश्चन और है 33, 56 एंड 65, बच्चों आप क्या करेंगे 65 का स्क्वायर करेंगे, फिर 33 का स्क्वायर करेंगे, फिर 56 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। अगर इन दोनों नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो सम आएगा वो इस नंबर के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आ जाए तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करें, कैलकुलेशन आपका एक्यूरेट होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हो जाएंगे और दोनों इक्वल नहीं आए तो नहीं होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ईजी क्वेश्चन थे बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यूजिंग द गिवन नंबर। अब आपको पता है सर हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला आपने याद कराया 2n, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे इसमें फर्स्ट वाला गिवन है a वाला, वो किसके लिए पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, 7 के लिए। जस्ट अगेन लेट मी चेक द फोकस ऑफ द कैमरा, यस फोकस ऑफ द कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों 7 के लिए पूछ रहे हैं कि आपको एक नंबर गिवन है 7, इसका यूज करके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाएं, तो मैं क्या करूँगा सर वहाँ पे 7 पुट कर दूंगा, तो 2 × 7, 7² - 1, 7² + 1, तो सर मुझे पहला ट्रिपलेट्स मिलेगा 14, 7² - 49 - 1, 48, 49 + 150, ये हमारा फर्स्ट ट्रिपलेट्स मिल गया 7 से, ठीक है 7 से यही पॉसिबल ट्रिपलेट्स आएंगे।
अब अगर बी की बात करते हो आप, ठीक है, तो बी वाला है आपका 11। अगर आप 11 लेते हैं तो आप क्या पुट करेंगे? सर एन की जगह मैं 11 पुट करूँगा, 11² - 1, 11² + 1। तो बच्चों ध्यान दो, 11 × 2 = 22, 11² = 121 - 1 = 120, 121 + 1 = 122। बच्चों सी ले लेते हैं हम, ध्यान दीजिए सी वाला क्या कह रहा है, 6। अगर हम एन की जगह 6 पुट करेंगे 2 × तो फर्स्ट 7 के लिए तो ये ट्रिपलेट्स आ गए, 11 के लिए ये ट्रिपलेट्स आ गए। अगर 6 लेते हैं 2 × 6, 6² - 1, 6² + 1, इट मीन्स 12, 36 - 1, 35, 36 + 1, 37। ये आपका नेक्स्ट रिप्लेट आ गया 6 के लिए। अब इसी में एक नंबर गिवन है 13, अगर हम 13 लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो n की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 13 * 13² = 169 - 1, 160, या ऐसे लिख लो एक बार, 13² - 1, 13² + 1, इट मीन्स 13 × 26, 169 - 1, 168, और ये कितना हो गया, 169 + 1, 170। दीज विल बी द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फॉर 13। हमने 13 का यूज करके, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकालना बहुत इजी है, और अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स गिवन है तो यू कैन चेक बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट अगेन, नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट्स। जैसे हम एक क्वेश्चन, स्क्वायर रूट्स के बच्चों 3 मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड अदर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड दैट इज एस्टिमेशन। एक बच्चों मेथड है वो है आपका सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, वो कहीं काम में नहीं आता मेथड, वेरी रबिश मेथड, बहुत लेंदी मेथड है जिसमें आपको एक एक दिन लग जाएगा सोल्व करने में। सबसे अच्छा मेथड है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और बाई एस्टिमेशन। जैसे हम एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन का, हम सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन मोर मेथड इन नेक्स्ट वीडियो। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर स्क्वायर रूट निकालना है हमें 576 का, किसका निकालना है बच्चों, 576 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है सर, 2 टाइम हो गया, फिर 8 टाइम हो गया, फिर 8 टाइम हो गया, ठीक है, फिर सर 2 से डिवाइड हो रहा है सर, 1 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया सर, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 72 टाइम सर, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 36 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, अब सर 3 से हो रहा है। तो इसका मतलब सर आप पेयर बनाओ 2-2 नंबर के, इस इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, सेम नंबर का ही पेयर बनेगा, देख लो ये दोनों भी सेम नंबर है। अब इनमें से एक एक नंबर बाहर निकल जाएगा, इन दोनों में से एक बाहर निकल गया, 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 इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 576 का, और कौन से मेथड से निकाल रहे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन सब का मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 × 2 × 2 × 3 कितना आ गया बच्चों, 4, 8, 24। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट कौन आ गया, 24। इज इट क्लियर? जैसे हम एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे बच्चों हमने एक नंबर ले लिया 625 ले लिया, क्या इसमें डिवीजन रूल लग रहा है किसी का, 5 से पहले नहीं लग रहा सर, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 5, फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है 25 सर, ये फिर भी 5 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, और 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। देखो पेयर बन गया इन दोनों नंबर का, एक यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 × 5 = 25। बच्चों इन नेक्स्ट वीडियो
वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाउ यू विल फाइंड द प्राइम फैक्ट हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाई एस्टिमेशन मेथड इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे.